12 साल पहले दुनिया ने ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक गंभीर आर्थिक पतन को देखा। इस पतन की लहरें दुनिया भर में गईं, हर महाद्वीप और हर देश को छूती हुई। फिर जब सब हो गया तो उंगलियों से इशारा करना शुरू हुआ कि किसे दोषी ठहराया जाए और इस दुर्घटना की कीमत किसे चुकानी चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीमा कंपनी AIG दोष लेने से कैसे बच जाती है, अतः महामंदी का एकमात्र सबसे बड़ा कारण होने के बावजूद। AIG की भूमिका को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि 2008 में क्या हुआ था और किन घटनाओं के कारण दुर्घटना हुई। 1990 के दशक के अंत के दौरान अमेरिका को रूस और कई एशिया देशों से विदेशी धन का एक बड़ा प्रभाव मिल रहा था, जो उस समय वित्तीय संकट से घिरे हुए थे। अमेरिकी बैंक स्वाभाविक रूप से ये नहीं चाहते थे कि पैसा सिर्फ पड़ा रहे और उससे कोई ब्याज नहीं कमा पाए, और इसलिए उन्होंने इस नकदी को उधार देने के तरीके के रूप में मॉर्गेजेस प्राप्त करना आसान बना दिया। आमतौर पर होम लोन नहीं लेने वाले अमेरिकियों को मकान खरीदने के लिए आवश्यक मॉर्गेजेस को प्राप्त करना बहुत आसान था। आखिर में ये अमेरिकन ड्रीम था। बैंकों ने लोन प्राप्त करना आसान बना दिया, कम भुगतान के साथ मॉर्गेजेस बनाए और कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। ये दूसरे लोन से सस्ते थे, इसलिए इन्हें सब प्राइम मॉर्गेजेस कहा जाता था। अब बैंक आमतौर पर अधिक पैसा बनाने के लिए एक बॉन्ड बनाते हैं जिसमें हजारों मॉर्गेजेस होते हैं और इसे CDO कहा जाता है, और फिर वे इन बॉन्ड्स को अन्य पार्टी को बेचते हैं जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियां या अन्य बैंक। हालांकि सब प्राइम मॉर्गेजेस जोखिम भरे थे। आमतौर पर इन CDO को खरीदने वाले कई फंड उन्हें खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जब तक कि बैंकों ने थोड़े से वित्तीय प्रवचना का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखें, अगर आपने CDO को फेल होने से बचाते हुए एक बीमा पॉलिसी खरीदी है तो आप इसे और अधिक स्वतंत्र रूप से खरीद सकते हैं, और ऐसे समय में AIG आती है। AIG उस समय अमेरिका में सबसे बड़ी बीमा कंपनी थी जिसकी 80 से अधिक विभिन्न देशों में शाखाएं और कार्यालय थे। वे 1919 से व्यवसाय में हैं और कई उद्योगों के सबसे बड़े अंडरराइटर घोषित किए गए हैं। 2008 में उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी और वास्तव में $1 trillion मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनने की राह पर थी। यहाँ जानिए इस विशाल कंपनी ने बहुत जोखिम भरे CDO को ज़्यादा सुरक्षित उत्पादों में कैसे बदला। लंदन में एक छोटे से कार्यालय में AIG वित्तीय चमत्कार का प्रदर्शन कर रहा था। वे CDO पर बीमा बेच रहे थे जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब थी। बहुत ही ठोस और उच्च श्रेणी की कंपनी AIG की रेटिंग के साथ इसे सफलतापूर्वक स्वैप कर रहे थे। इस बीमा पॉलिसी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के रूप में जाना जाता था, और ये सचमुच बड़ी बीमा कंपनी की अच्छी क्रेडिट रेटिंग को CDO की खराब क्रेडिट रेटिंग के साथ अदला बदली करता था। आप अभी भी बैंकों से इन खराब CDO के बॉन्ड खरीद रहे थे, लेकिन जब AIG भुगतान करने को तैयार है और अगर वह बॉन्ड विफल हो गया तो फिर जोखिम क्या था? AIG को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बहुत पसंद था और फंड कंपनियों को भी। इसे पेश करने के 5 साल बाद ये वित्तीय उत्पाद प्रभाव के रूप में ज्ञात लंदन के इस छोटे से कार्यालय ने प्रतिवर्ष $3 billion से अधिक का राजस्व अर्जित किया। जब जब AIG ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेचा तब तब वह प्रीमियम में मुफ्त पैसा कमा रहे थे। ये करना बहुत आसान था, लेकिन AIG को लालच आ गया। आमतौर पर यदि कोई बीमा कंपनी आपको $1 million के लिए बीमा करती है तो उसके पास भुगतान करने के लिए संपत्ति 1 million की होनी चाहिए। हालांकि पूंजी होने के बजाय AIG संभावना पर भरोसा कर रहे थे कि गृह बाजार में गिरावट नहीं होगी। ये रणनीति तब तक काम करती रही जब तक कि यह नहीं हुआ, और 2007 में गृह बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद सभी सबप्राइम मॉर्गेजेस ने अपनी दरों में वृद्धि की, और इस प्रकार उन लाखों अमेरिकियों को जिनके पास कभी मॉर्गेजेस नहीं होना चाहिए था, उनके महीने के भुगतान में वृद्धि देखी गई। जब उन मॉर्गेजेस का भुगतान नहीं हो रहा था तो बॉन्ड्स जो मॉर्गेजेस से भरे हुए थे, जो कि थे CDOs, वो भी ढहने लगे। लेकिन बैंक और फंड कंपनियां अभी तक चिंतित नहीं थीं, क्योंकि उनके पास एक बीमा पॉलिसी थी। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप थे। बैंक AIG पर भरोसा कर रहे थे कि सौदेबाजी के उनके अंत का सम्मान करें, लेकिन जब समय आ गया तो AIG को पता चला कि उसने भुगतान करने के लिए बहुत सारे CDOs का बीमा कर दिया है। जैसे ही AIG की तिजोरी खाली हो गई, जिन जिन बैंकों ने इसे बीमा करवाया था वह दिवालिया हो गए। गिरावट की गति अविश्वसनीय थी। AIG के पैसे 15 सितंबर 2008 को ख़त्म हो गए, और बाद में उसी दिन अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंक में से एक लेमन ब्रदर दिवालिया घोषित कर दिया गया।
उस दिन के कारण सरकार जाग गई। तब तक फेडरल रिजर्व वॉल स्ट्रीट को सबक सिखाने की उम्मीद में सरकारी खरीद के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा था। AIG हालांकि कोई छोटी बीमा एजेंसी नहीं थी और फेड को एहसास हुआ कि अगर AIG विफल हो गया तो पूरी दुनिया मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि AIG के पास स्टॉक और नीतियां थी अधिकतम बैंकों और बीमा कंपनियों की, और सब कुछ बहुत जुड़ा हुआ था। इस प्रकार AIG को असफल होने के लिए बहुत बड़ा समझा गया। और 16 सितंबर 2008 को एक दिन बाद जब फेडरल रिजर्व ने कहा कि कोई और सरकारी खैरात नहीं होगी, तब भी सरकार ने उन्हें जमानत दे दी। इन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का भुगतान करने के लिए लोन के बदले में फेडरल रिजर्व ने AIG में 80% इक्विटी हिस्सेदारी ले ली। इससे सरकार को कंपनी के नेतृत्व को बदलने की अनुमति मिल गई, जो उन्होंने किया। उन्होंने एक नया CEO स्थापित किया, सिर्फ $1 के वेतन पर काम पर रखा। जो AIG ने अनियमितता की है उसे ठीक करेगा। AIG ने तब कार्यकारी बोनस का भुगतान करने के लिए $165 मिलियन के बेलआउट पैसे का इस्तेमाल किया, न कि अच्छे प्रदर्शन के लिए बल्कि बुरे वित्तीय अभ्यास के वर्षों में मदद करने के लिए। कुल मिलाकर AIG को $182 बिलियन की बेलआउट पैसा मिला और मार्च 2009 में उन्होंने कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी नुकसान दर्ज की। उस घोषणा के परिणाम स्वरूप डॉव 1997 के बाद से सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। AIG ने उनके खिलाफ लाया गया एक मुकदमा भी निपटा दिया, जो निवेशकों को लगभग $1 अरब का भुगतान कर दे, जो स्पष्ट रूप से खुद गुमराह थे। नतीजन AIG ने कम से कम लाभदायक बने रहने के लिए अपने 2008 की संख्या के आधे से भी कम स्टाफ को कम कर दिया। दिलचस्प रूप से जब एक बार धूल जम गई और AIG के व्यवसाय ने व्यापार में सरकारी हिस्सेदारी को स्थिर कर दिया, जो वास्तव में एक लाभदायक व्यापार बन गया। 2012 में फेडरल रिजर्व ने $22 बिलियन का लाभ कमाने के लिए AIG के अपने शेयर बेचे। खैरात के आकार को देखते हुए वास्तव में यह एक अभूतपूर्व परिणाम था। सरकार को AIG को बहुत बड़ी असफल सूची से हटाने के लिए सुरक्षित मानने से पहले 5 साल लग गए। AIG ने कभी भी वही बैकलैश नहीं झेली जो लेमन ब्रदर्स जैसे बैंकों के साथ हुई, जो यकीनन इस सब के शिकार थे, क्योंकि वे धोखाधड़ी वाले बीमा पर निर्भर थे।